उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भले ही अभी औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं योगी सरकार में मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद उपचुनाव बीजेपी के लिए खसाक का सवाल बन गया है। इसके चलते हुए पार्टी ने नया सियासी प्रयोग कर सकती है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि 2014 के बाद मुस्लिम नेताओं को टिकट देने से बचती रही बीजेपी अब क्या उपचुनाव में मुस्लिम चेहरे पर दाव खेलेगी, ऐसे में एक बात निकल कर आई है। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी एक बड़े मुस्लिम कद्दावर नेता को टिकट देने की दावेदारी करती हुई दिखाई दे रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के जियाउर रहमान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद कुंदर की सीट खाली हो गई थी। वहीं मुस्लिम बहुल इस सीट पर उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के संगठन से जुड़े मुस्लिम नेता कुंदर की सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है, इसलिए उन्होंने पार्टी के कई नेताओं से भी संपर्क साधा है। आपको बता दें, कुंदर के विधानसभा सीट पर अब तक के इतिहास में बीजेपी सिर्फ एक बार साल 1993 में जीती थी, उसके बाद सपा और बसपा का ही वहां पर कब्जा रहा है। ऐसे में 1967 में कुंदर की सीट अस्तित्व में आई, उसके बाद 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में 1993 में बीजेपी के टिकट पे चंद्र विजय सिंह ने उपचुनाव लड़ा था और जीता भी था। वहीं आपको बता दें, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने TV9 डिजिटल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कुंदर की विधानसभा सीट पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य है, ऐसे में उपचुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं, पार्टी से टिकट मांगने का काम करेंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। बीजेपी में टिकट जाति और धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि जीत की संभावना को देखकर पार्टी तय करती है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि हमें चुनाव लड़ाने पर कुंदर की सीट जीत सकते हैं, तो संभव है कि हमें टिकट दे देगी। ऐसे में बीजेपी ने कुंदर की विधानसभा सीट पर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह और JP राठौर को चुनावी मैदान में उतारा है और ये जिम्मेदारी भी सौंप दी है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा पाती है या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदर की सीट पर सपा के जियाउर रहमान चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ बीजेपी के कमल कुमार को लड़ाया गया था। सपा यहां सीट पर 43,162 वोटों से जीतने में कामयाब रही। इससे पहले बीजेपी ने 2017 के चुनाव में रामबीर सिंह को टिकट दिया था, लेकिन वो जीत नहीं सके। रामबीर इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद कुंदर की सीट पर सियासी समीकरण बदला, 65% मुसलमानों और 30% के करीब हिंदू वोटर वहां पर पाए जाते हैं। ऐसे में कुंदर की सीट पर बीजेपी ने सबसे पहली बड़ी चुनौती मुस्लिम वोटों में एकजुटता रही है, और बिना मुस्लिम वोटों में सेधमारी के बीजेपी के लिए यह सीट जीतना मुश्किल है। यहां पर मुस्लिम समुदाय में सबसे ज्यादा वोट बैंक तुर्कों का है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम राजपूतों का है, और मुस्लिम तुर्क कभी 70,000 हैं तो मुस्लिम राजपूत 40,000। सपा से पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान और मुख्य दावेदार जो माने जा रहे हैं वो तुर्क समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी किस मुस्लिम राजपूत को उतार कर सपा के सियासी समीकरण को बिगाड़ने का दांव चल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कुंदर की लोकसभा सीट पर सियासी प्रयोग करने के तौर पर बासित अली पर दांव खेलती हुई नजर आती है, तो यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ने वाली के पहले नेता होंगे। वहीं बासित मुस्लिम राजपूत समुदाय से आते हैं, और माना जा रहा है कि मुस्लिम राजपूत वोटर को अगर साधने में बासित अली कामयाब हुए तो हिंदू वोटर एकजुट रहने पर यहां पर सपा का सियासी खेल बिगड़ जाएगा। और कुंदर की सीट पर ठाकुर सैनी और दलित वोटर हैं, इन्हीं के सहारे बीजेपी नई सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। अगर बीजेपी कुंदर की में मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवार के रूप में उतारती है तो इसके जरिए भविष्य में मुरादाबाद रामपुर संभल लोकसभा सीटों को सियासी संदेश देने में भी सफल रह सकती है। इसके पीछे की वजह है कुंदर की सीट के इन सभी लोकसभा सीटों की सीमाओं से लगती हुई नजर आती है। वहीं 2024 के चुनाव में सपा यहां 3 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन माना जा रहा था कि बीजेपी कुंदर की के उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेलने का प्रयास कर सकती है।